अगर मैं बोलूँ सिटी तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े सड़क, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग। पर दुनिया में कई सारी सिटीज ऐसे हैं जहाँ की बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े रोड है, कई सारी गाड़ियाँ पड़ी है, बट वहाँ कोई लोग नहीं रहते। उसे हम बोलते हैं घोस्ट सिटी। और इसकी संख्या करीब दुनिया में 4000 के आसपास है, और थोड़ा बहुत छुट्टू बुट्टू सा इंडिया में भी है, 2-3 ऐसे। हम जानते हैं कि घोस्ट सिटी बोलते किसको है। घोस्ट सिटी ऐसे सिटी को बोलते हैं जहाँ किसी कारण बस, चाहे कुछ आपदा हो या फिर किसी भी वजह से, वहाँ के सारे लोग उस सिटी को खाली करके कहीं और चले गए हो, वो वीरान पड़ा, उसे हम घोस्ट सिटी बोलते हैं। ऐसे 2-3 इंडिया में भी है। आप जानते भी हो कि कुलधरा, नाम सुना होगा, भानगढ़, धनुरकोड़ी, ये सब घोस्ट सिटी में ही आते हैं। हम ऐसे ही कुछ बड़े घोस्ट सिटी के बारे में जानते हैं। सिटी है पिरामिड। ये शहर एक आइलैंड पर स्वीडन लोगों के द्वारा बनवाई गई थी। फिर उन लोगों ने कुछ समय के बाद सोवियत संघ के हाथों वो शहर को बेच दिया। फिर सोवियत संघ ने वहाँ पे कोयले का माइनिंग करवाना शुरू किया, और वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े घर बनवाए ताकि वहाँ पे जो वर्कर काम करने आए वो रहे, अच्छे से रह सके। वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा दी गई। सोवियत संघ ने रेगुलर 70 साल तक वहाँ से माइनिंग करके कोयला निकाला। जब सोवियत संघ 1991 में टूटी, तो उनके अंडर जो काम कर रहे थे लोग, वो लोग अपना अपना अलग शिफ्ट होना शुरू कर गए। तो वहाँ के जो वर्कर थे अलग अलग देश के, वो अपने अपने मर्जी से रहने के लिए कहीं और जाने लगे, कहीं और शिफ्ट होने लग गए। वो एक माइनिंग शहर था और वहाँ से बहुत मात्रा में कोयला निकल चुका था, तो ऑलमोस्ट कोयला ख़त्म हो चुका था, क्योंकि कोयला हर एक जगह पे एक लिमिट मात्रा में होती है। और जो लोग वहाँ से गए, उनसे बाद में पूछा भी गया, तो उन लोगों ने बोला कि वो जगह ज़्यादातर मंथ पे बर्फ़ ही पड़ी रहती है। फिर वो लोग उस शहर को पूरी तरह से वीरान छोड़कर चले गए। टाइम पे मैंने वहाँ का रिसर्च किया, तो मुझे गूगल पे उसका बस 6 पॉपुलेशन दिखा रहा है, बस 6। और वहाँ पर आने जाने के लिए केवल एक नाव ही जरिया थी, नाव के अलावा किसी और चीज़ से आया जाया नहीं जा सकता। हसीमा सिटी, जापान, इसकी बहुत ही डार्क स्टोरी है, पर अभी हम बस ये जानेंगे कि ये खाली, मेनली रूप से खाली क्यों पड़ा है। इसके बंद वीरान होने का मेन रीज़न क्या था? यहाँ पे बड़े मात्रा में कोयले का पता लगा, पर ये किनारे से थोड़ा दूरी पे था, इसलिए वर्कर को आने जाने में खर्च बैठ जा रही थी और आने जाने में दिक्कत भी हो रही थी। तो इसलिए उस जगह पे एक जल्दीबाजी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली एक सिटी बनाई गई। वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा थी, वहाँ पे स्कूल भी थी, हॉस्पिटल भी था, और पार्क भी थे, और होटल्स भी थे, कई चीज़ की सुविधा थी एक सिटी में जो होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्कर लोग और उनकी फैमिली को रखा गया था, और हर कोयले की खदान के जैसा यहाँ भी लिमिट मात्रा में कोयला था। यहाँ से भी कई सालों तक कोयला निकाला गया, और फिर जब कोयला ख़त्म हो गया तो लोग धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने लगे, उस जगह से, जगह को छोड़ के वहाँ से बाहर निकल गए। फिर वो पूरी तरह से वीरान छोड़ गया उस शहर को। ये जगह किसी टाइम पे बहुत घनी आबादी वाली जगह थी। इस जगह को बैटलशिप आइलैंड भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर वैसा है, और भी एक दो रीज़न है। मैं इस आइलैंड के लिए एक स्पेशल सी अलग सी स्टोरी लेके आऊँगा, अलग सी वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट है अल्कामारा। ये जगह जॉर्जिया में बनवाया गया था, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। एक समय में इस अल्कामारा में करीब 40,000 लोगों के आसपास या उससे ज़्यादा ही लोग रहते थे, उनका ये घर हुआ करता था। ये जगह भी माइनिंग करने वाले लोगों के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय पे माइनिंग कोयला का काम बूम पे था। तो जगह जगह पे जहाँ पे भी कोयले का भंडार मिलता था, बड़ी मात्रा में
वहाँ पे माइनिंग की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोयले का डिमांड था। फिर जब धीरे धीरे कोयले का वैल्यू घटता गया और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, चीज़ें कोयले की जगह किसी और चीज़ पे चलने लगी, ईंधन पे चलने लगी, तो ये सब माइनिंग का काम घाटे का पड़ने लग गया। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, माइनिंग का काम सस्ता होने लग गया और कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाने लग गया, तो लोगों की ज़रूरत कम पड़ गई, तो लोग यहाँ से शिफ्ट अलग हो गए जहाँ उनको काम मिले, और इस शहर को बंजर छोड़ गए, वीरान छोड़ गए पूरी तरह से। इस जगह को गवर्नमेंट टूरिस्ट पैलेस बनाएगा, यहाँ पे रिसोर्ट वगैरह बनाएगा, बट वो बिल्डिंग्स इतनी पुरानी है कि वो गिरने लग गई है, तो गवर्नमेंट भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी कभी भी इन सब चीज़ों में। पर ये खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, ये शहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। किसी समय पे ये 40,000 से ज़्यादा लोगों के ठिकाना हुआ करता था, अभी यहाँ पर बस गिने चुने लोग घूमने के लिए आते हैं, जो भी आते हैं वो घूमने के लिए आते हैं। है ओरडोस सिटी, ये चाइना में है। आप सोचोगे कि चाइना इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री है पर यहाँ घोस्ट सिटी हो सकता है, बट ये सच में है। और ये कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, ये 137 मील में फैला हुआ सिटी है। ये शहर 21 सेंचुरी के स्टार्टिंग में बनवाया गया था। चाइना का ये सिटी बनवाने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पे करीबन 10,00,000 लोगों को वो बसा सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे मुश्किल से 50,000 लोग भी रहने के लिए नहीं आए, जबकि वहाँ के बिल्डिंग, वहाँ के रोड बहुत अच्छे बनाए गए थे। अगर इसे साफ लफ्जों में बोला जाए तो ये एक चाइना का फेलियर प्रोजेक्ट है। इसके पीछे चाइना ने मिलियन डॉलर खर्च किए, बट किसी काम का नहीं। ये 21 साल से वीरान पड़ा है।